हम ये चाहते हैं कि ये न्यूज़पेपर सभी घरों में जाए एंड हर दिन सुबह जब लोग ये पढ़े इससे इंस्पायर हो और कुछ जाके पॉजिटिव एक्शन करे बाहर जाके। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो फुल टाइम सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड मैं बचपन से ऐसे काफ़ी लोगों से मिलता आ रहा हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाके, और मैं ये सोचता था कि क्या ये लोग इतना अच्छा काम करें, इनकी स्टोरीज बाहर जाना ज़रूरी नहीं है, क्या इनके थ्रू और अच्छे लोग काम नहीं करेंगे। तो ये दो सोच मिला के कि न्यूज़पेपर्स में इतना नेगेटिव आ रहा है, क्यों ना हम इन लोगों की कहानियाँ न्यूज़पेपर में दें जिन लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उससे लोगों को इंस्पायर कर पाए, ये थॉट के साथ हमने ऑप्टिमिस्ट सिटीजन स्टार्ट किया था। कुछ लोगों को, हमारे कुछ दोस्तों को जिनको हमने बताया उन्हें अच्छा लगा, हमने एक छोटे से भोपाल के एक छोटे से पार्क में 5 अक्टूबर को एक मीटिंग रखी थी, तो उससे शुरू होके उस दिन से हमारे पहले अंक और हमारी मूल सोच और हमारा मूल निश्चय क्या होगा उस पर हमने पूरी तरीके से काम करना शुरू किया। हम लोग कोई भी मीडिया बैकग्राउंड से नहीं थे, मैं इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूँ, मेरे को मीडिया का कोई आइडिया नहीं था, पर फिर हमने जब रिसर्च करना चालू किया कि हम इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, तब हमें समझ में आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ RNI का एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स के पास। उस प्रोसेस को कराने में हमें 6 महीने लग गए। हमें ये भी नहीं पता था कि न्यूज़पेपर जो अखबार है उसको किस कागज़ पर प्रिंट किया जाए। हमने क्या किया, पहली बार कि हमने बहुत बड़ा सा कागज़ लिया, मतलब इतना बड़ा सा चार्जशीट जैसा कागज़ लिया और उस पर हमने छोटे छोटे कागज़ चिपका दिए, प्रिंट करके हम कंप्यूटर से प्रिंट निकाला और उस पर चिपकाया, देखा कि एक बड़ा सा अखबार लगता कैसा है, और फिर हमें समझ में आया कि अच्छा अखबार ऐसा होता है कि इसमें मतलब इसमें ब्रॉडशीट होता है या टैबलॉइड होता है या हर अखबार का एक अलग तरीका होता है बनने का। जब हमने ये न्यूज़पेपर चालू किया तो हम समझ में आया कि अलग अलग टारगेट सेगमेंट्स हैं जिन्हें अलग अलग चीज़ें अपील करती है, और उस हिसाब से हमने सोचा कि हम हर एक टारगेट सेगमेंट के लिए अपने इस प्रोडक्ट को उस हिसाब से ढालें, उसको इवॉल्व करें कि वो अलग अलग तरीके के लोगों को इंटरेस्ट करता है। उसके कुछ दिनों बाद जब हम न्यूज़पेपर निकालने लगे हैं लोगों का रिस्पॉन्स आने लगा, उसके बाद हमें ये समझ में आया कि क्यों ना इसको हम डिजिटली प्रेजेंट करें, इंटरनेट पर डालें और लोगों तक पहुँच पाए। उससे कुछ महीनों बाद हमने एक वेबसाइट की स्थापना की जिसपे हम ये स्टोरीज वेबसाइट में डिफरेंट फॉर्मेट्स में डालने लगे। हमारे पास देश भर में लगभग 20-25 शहरों से हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, एकदम नॉर्थ मोस्ट जम्मू से लेकर साउथ मोस्ट केरला में भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। हमारा कभी भी मोटिव किसी गवर्नमेंट, किसी कंपनी या किसी को प्रमोट करने का नहीं, हम ये नहीं देखेंगे कि मॉन्सेंटो ने किसी ऑर्गेनिक फार्म को फंड दिया है, हम उल्टा ये देखेंगे कि वो ऑर्गेनिक फार्म क्या काम करता है, क्या वो अच्छा काम कर रहा है, तो अगर वो अच्छा काम कर रहा है, उनका काम सच्चा है, तो हम उन पर जरूर कहानी करेंगे। हमारी हर कहानी में एक सत्य का एलिमेंट होना चाहिए, एक उम्मीद जगाने का एक आशय होना चाहिए, तो और मनोबल जगाने का आशय होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी जो है और जो हम हमेशा फोकस करते हैं कि हमारी कहानियों का एक प्रभाव पड़े हमारे पढ़ने वालों पर।